फ्यूचर प्लान्स क्या रखे हैं? कोई और तो मुझे काम नहीं आता ना, धार ही बुनियादी तरह काम से कोशिश की है मैंने एक दो जगह पे काम करने की, मैं कर नहीं सकता हूँ। और कुछ क्या प्लान है? मेरा अल्लाह जानता है, कोई ऐसी वो नहीं है, मैं जैसा हूँ जो हूँ वो सबको पता है। लोग कहते हैं कंप्रोमाइज करो हो पाएगा पता नहीं और मेरा अल्लाह जानता है कि इसके बाद मैं किस तरफ जाऊंगा, क्या करूंगा, वही प्लान करता है। बेहतर प्लान करने वाला वही है, तो ज्यादा सोचना नहीं है। जिस दिन काम करूंगा उस दिन की जो स्टोरी होगी उस पर बात करूंगा बस। सब कुछ बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही, मैं अपनी ओपिनियन खुल के देने की मुझे आदत है बस। तो मुझे बहुत सारे लोग ये मशवरा पहले भी देते रहे कि यार तू ओपिनियन ना खुल के दे, न्यूज़ दे दे ओपिनियन ना दे, अपनी ओपिनियन तू खुल के दे ही ना कभी भी, और जैसे बात करता है वैसे बात ना कर। अब मैंने ऐसे ही सीखा, मैं जब छोटा था ना तो कभी पूछा ना किसी ने अम्मी अच्छी है या अबू, तो उस दिन जो अच्छा लगता था मैं कहता था ये, मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों हमारे बच्चे करते हैं ना ये कभी कभी, मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों, और क्लैरिटी के साथ कि ये अच्छा है ये आज नहीं अच्छा लग रहा या ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा अच्छा लग रहा है तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री तो वो मेरे से नहीं होता, मैं जरा क्लैरिटी के साथ ही अली देख ये अच्छी तरह याद है मुझे जो चीज बुरी लगती थी मैंने हमेशा तेरे भाई मुंह पे बताया कि ये बुरा है भाई, साफ गोई रही है हमेशा का, नाराज भी हुआ कई दफा 100% और भी दोस्त नाराज हुए 100% कई जगहों पे ऐसा हुआ कि मेरी वजह से फड्डा भी हो गया भाई, तेरा भी फड्डा हो गया मेरी वजह से, मैंने साफ बात की कि नहीं यार ऐसे नहीं है ये ऐसे ही, सारी जिंदगी ऐसे ही जिया हूं। कभी दिल टूटा हो, कभी सोचा हो, कोई रिकंसिडर किया हो, कोई ऐसा लम्हा आया हो कि गिव अप किया हो कि अच्छा यार किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोचा है कभी ऐसा? बहुत दफा मैं कोई स्टील का बना हुआ मैं या मैं कोई कोई फौलाद का बना हुआ आदमी हूँ, जैसे दर्द नहीं होती या जो जिसको नींद नहीं आती है, जो जागता नहीं है या जिसको तकलीफ नहीं होती है, दिल नहीं दुखता, नॉर्मल आदमी हूँ मैं, ये तो अल्लाह का काम है। देखें वही आपको सब्र हिम्मत इस्तकामत दे सकता है। एक ऐसी मनफी खबर जो है जो कि बिल्कुल हकीकत के बरक्स थी वो भी चला दी कि मैं, उन्होंने कहा जी इमरान और खुदा ना खास्ता इमरान तो जो है वो जिंदा नहीं है। अली मैं एक सीरियसली एक बात बताऊं, वो ऑप्शन आसान थी, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं, यानी अगर मेरे से पूछे कोई कि क्या आसान था तो वो आसान था। आई अंडरस्टैंड, वक्त बहुत मुश्किल था, ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ ज्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है तो ज्यादा दर्द होती है, ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया इसको, यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता उतना, तो ये चीज मुझे शायद ज्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूं, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से, इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। कोई मेरा तमाशा देखने आया, किसी को तस्कीन हुई मुझे ऐसे देख के, किसी को बहुत दुख हुआ, कोई मुझे गले लगाने आया, कोई मुझे हौसला देने आया, कोई दुआएं देने आया, कोई मुखबरी करने आया बहुत से सबके चेहरे पहचाने, हर तरह के लोग सब चेहरे पहचाने, और मैं सबको ही मिला हूँ, सबकी बात सुनी है मैंने। अच्छा मुझे ना हैरत नहीं हुई बाकियों की, मुझे राणा सनाउल्ला साहब की हैरत हुई। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया, उस वक्त की गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पे बहुत दबाव डाला, उन्होंने कहा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश कर जाता है तो आप क्यों, मैंने कहा जी यहाँ राणा सनाउल्ला ठीक है, ये केस गलत बनाया आप, गलत केस है, तो मैंने आवाज उठाई, राणा साहब आए थे शुक्रिया अदा करने, आपको याद है? याद है, राणा साहब घर आए थे, शुक्रिया अदा किया था उन्होंने कि यार मैं, आपने मेरे लिए बहुत आवाज उठाई तो मैं थैंक्स खुद आके करना चाहता था। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि राणा सनाउल्ला अगर कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछाले, चले
हर एक का अपना अपना ज़र्फ है, उन्होंने जो बोला मेरे बारे में, जो कहा मुझे, जब क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था, मैंने कहा भैया राणा सनावला का बताओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया था मेरे ड्राइंग रूम में एक दिन बैठ के, जब वो बहुत मुश्किल वक्त में था, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, क्योंकि बहुत बड़ा दावा था, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ राणा सनावला का बताओ और किसी का नहीं। उन्होंने कहा जी उसने ना सिर्फ आपके बारे में ला इल्मी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। वो जुमले मैं नहीं दोहराना चाहता, मुझे सिर्फ एक आदमी ने मायूस किया ज्यादा पॉलिटिकल लोगों में से, बाकी मुझे आइडिया था किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। मैं ना खबरों से कुछ अरसा दूर भी रहा, लेकिन जब मैं इन हुआ तो मुझे ये जब चीज पता चली तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, ये तो हुआ ही नहीं कभी, ये तो नहीं हुआ कभी। अब वो खवातीन है, वो बच्चों वाली भी है बीच में, वो उनके बच्चे उनसे दूर है, मिल नहीं पा रहे, फिर एक केस में वो निकलती हैं, दूसरे में वो गिरफ्तार हो जाती हैं, फिर वो निकलती हैं, फिर तीसरे में गिरफ्तार। एक टाइम में एक लड़की या एक औरत इतनी सारी जगहों पे कैसे हो सकती है, मुमकिन ही नहीं है। सेम टाइम में वो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, और फिर यानी जितनी तबाही औरतों पर डाली हुई है ना, इतनी तो दहशतगर्द नहीं फैला सकते या आतंकवादी ये नहीं कर सकते, जो इंडियन की इंडियंस की जबान में कि इतना टेरर तो आतंकवादी नहीं फैलाते जितना वो लड़कियों ने फैला दिया। अब ये नई चीज है और ये जो पैटर्न सेट हो रहा है ना, ये परेशानी की बात है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। देखें मैं आपको एक चीज बताता हूं, दुनिया में पहला कत्ल किसका हुआ था बताएं आप, आपको याद होगा ये जब दुनिया बनी, आदम अलैहि सलाम आए, उनके बाद उनकी औलाद आई, तो पहला कत्ल कौन हुआ था, याद है ना आपको, हाबील का अबील का वाकया सबको याद है, एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया और फिर कैसे दफन किया। दूसरा कत्ल कौन हुआ था याद, तीसरा कौन हुआ था याद है, किसी को नहीं याद कि दूसरा आदमी कौन कत्ल हुआ इस जमीन पे, तीसरा कौन कत्ल हुआ, चौथा कौन हुआ, बारहवां कौन हुआ, चौदहवां, पहला कत्ल सबको याद रहता है। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफा इस लेवल पे मामला गया, ये आप मानते हैं? हाँ, मतलब ये आप कोर्ट में देखते हैं ना? हाँ, ऑफ कोर्स, नहीं इस लेवल पे तो हमने तो अपनी लाइफ में इसका के सैकड़ों लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे इसकी सेवेरिटी का अंदाजा है। बुजुर्ग मुकला से आप मिलते हैं, उनसे आपने पूछा कि ये लेवल पे कभी हुआ? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज एट अ वेरी डिफरेंट स्केल, ये पहली दफा हो रहा है। हाँ, मतलब अपनी नौयत की मखसूस हालात, ये याद रखा जाएगा, ये जिस जिस के साथ दूसरी दफा होना है ना, किसी ने बॉदर भी नहीं करना, क्योंकि एक जगह पे एक पैटर्न सेट हो रहा है कि जी बेडरूम में भी घुसा जा सकता है, औरतों के ऊपर टॉर्चर भी हो सकता है, उनको घसीटा भी जा सकता है, उनको गालियां भी दी जा सकती हैं, उनको लंबे अरसे तक ज्यादा केसेस में गिरफ्तार भी करके रखा जा सकता है। ये एक पैटर्न सेट हो रहा है इस मुल्क में। जब ये नून लीग या पीपल पार्टी के साथ होगा ना, तो ये दूसरी दफा होगा। जैसे दूसरा कत्ल किसी को याद नहीं है ना, तो इसकी फिर वो बात नहीं रहेगी, वो लोग कहेंगे ऑब्वियसली यार पहले एक के साथ हुआ है, दूसरे के साथ भी हो गया, तीसरे के साथ भी हो सकता है, नॉर्मलाइज हो जाती हैं चीजें। ये उनके लिए सोचने की और फिक्र करने की बात है कि क्या सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एक हाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आसान लफ्जों में ये है कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल फ्यूचर आने वाली जनरेशन के लिए भी मुश्किल बना रहे हैं। और वो चीज मुझे तकलीफ देती थी, मैं जानता था कि मेरा बाप घर नहीं बैठे, जब तक मैं मिल नहीं जाऊंगा जिंदा या मुर्दा वो पुरसकून हो ही नहीं सकता। मैं उनकी आदत जानता हूं, मैं उनकी आदत जानता हूं, मुझे पता उनका, मुझे पता था कि वो सांस नहीं लेंगे जब तक, चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुझे ढूंढ नहीं लेंगे किसी भी हालत में। और मेरी माँ ने यानी मुझे हमेशा बड़ा हौसला दिया, मेरी अम्मी ने, और मुझे हमेशा उन्होंने कहा कि बहुत अजीब और बुरे वक्त भी हमने देखे हैं ज़िंदगी में, मैंने कभी जिक्र नहीं किया, तो उस वक्त मुझे मेरी अम्मी सपोर्ट करती थी हमेशा कि बेटा निकल जाएगा ये वक्त भी, तुम आगे बढ़ो। जो मैं आज हूँ उसके अंदर उनका पूरा एक रोल है। नॉर्मली आप एक बीवी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना मेरी वाइफ को करना पड़ा, और जिस तरह उसने फेस किया सारा कुछ, उससे पहले भी जिन हालात से वो गुजरी, और मुझसे उसने शिकवा भी नहीं किया। अभी जब मैं आया वापस तो उसने मुझे, यानी मैं अभी थोड़ा बोल नहीं पा रहा था, मुश्किल थी बोलने में, अभी भी अगर थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा, तो उसने मुझे एक दिन भी
रियलाइज ही नहीं होने दिया कि आप स्टैमर कर रहे हैं या बोल नहीं पा रहे। कभी बातों में भी नहीं उसने मेरे दिमाग में ये बात नहीं आने दी कि मैं स्टैमर कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा बात मैं उसी से कर रहा होता हूँ घर में, तो उसने मुझे ये रियलाइज ही नहीं होने दिया, कभी मुझे ये कहा ही नहीं। ये चीज़ उसको पीछे ले जाती है या उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, और मेरी रिकवरी में भी इन्हीं लोगों का ज़्यादा हाथ है। सोचा था कि ये हो जाएगा? हाँ पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा? ये आइडिया नहीं था मुझे, ये आइडिया नहीं था मुझे। एयरपोर्ट पे मैंने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुझे लगता था कि जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है, तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना ड्रैग हो जाएगा और इतना लंबा चला जाएगा। मर्जी है, दिन गुजार रहा था। 142 दिन बड़े लंबे होते हैं। मुझे 142वें दिन तक पूरा यकीन था कि लोग मेरे लिए दुआएं करेंगे। अभी इन्होंने बहुत दुआएं की हैं, मुझे तो बाद अवत लगता था कि बस काढ़ी मुक गई है, अभी यहाँ से आगे क्या चलेगा। आपके सामने था मैं, जिंदा लाश की तरह ही था जब आपको पहले दिन मैं मिला हूँ। इससे भी गई गुजरी हालत मेरी रही है, तो वो मुझे बाद अवत लगा कि नहीं बस यहाँ तक ही थी कहानी, इसके बाद कोई और लिखेगा, इसके आगे मैं नहीं चलाऊंगा। देखिए आपके जो 24 घंटे होते हैं ना वो बड़े लंबे होते हैं, मुझे पहले पता ही नहीं था। अब आगे एहसास ज्यादा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पता ही नहीं था कि 24 घंटे कितने बड़े होते हैं। 100 दिन गुजर जाते हैं तो आप सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात आती है, आप ये सोचते हैं कि शायद लोग मुझे भूल रहे हैं। यानी आप अपना नाम ही ना सुने अगर इतना अर्सा कोई आपको आपके नाम से बुलाए ही ना। जब मुझे मैं घर आया तो मुझे मेरे नाम से जब बुलाया मुझे बड़ा अजीब उस दिन लगा। मेरे अम्मी अबू से मैं मिला तो मुझे ये फील हुआ कि ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये ऐसे वापस आ जाए। तो बात ये है कि इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। कोई सहाफ़ी अपने शदीद इख्तलाफ के बावजूद ये बात कभी नहीं मानेगा और ये बात कभी नहीं कहेगा कि गैर कानूनी तरीके से या गैर आइनी हथकंडों से लॉलेसनेस हो और किसी के साथ ये किया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए, किसी को गायब कर दिया जाए, किसी को टॉर्चर किया जाए, किसी को मार दिया जाए गोलियां, ये तो जस्टिफाइबल नहीं। तमाम दोस्तों का जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उन सबका बहुत शुक्रिया, उन सबका, जिन्होंने नहीं उठाई उनका भी बहुत। मुझे आप बताएं क्या आज पाकिस्तान का मीडिया जो खबर चलाता है वो क्या मीडिया ही बनाता है? क्या वो खुद अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है? मीडिया आजाद नहीं है पाकिस्तान में। मुशर्रफ के दौर में इससे बहुत बेहतर था, क्योंकि मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जब आग लगती है तो सबके दरवाजे पे आती है, लेकिन रुकना तो है नहीं, आई नहीं है। चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, अल्लाह सब पर रहम फरमाए। तो वो अगर आज़ादी मिले मीडिया को तो मीडिया कुछ बोले ना, कोई शक नहीं। और अपनी आज़ादी लेने के लिए मीडिया क्या कर सकता है? हालात आपके सामने। तो इमरान, 4 नौकरियां, इतना कुछ, इतने मुकदमे, आई मीन उसके बाद ये किस लिए? तो कारोबार भी तबाह हो गया। अच्छा वो तो हुआ। सो 4 नौकरियां गई। मुझे नहीं समझ आई क्यों पर्चे हो रहे हैं मेरे पे। बाकी लोग भी यही काम करते हैं, थोड़ा सा कोई लपेट के करता है, कोई खोल के करता है। एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इस मुकदमाबाजी से कुछ फ़ायदा होता है। मैं अपनी बात कहना चाहता था, पर्चे दे दे के इधर घुमाओ उधर घुमाओ। आज भी मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपनी बात करना चाहता हूँ आज़ादी के साथ। एक चीज़ की मुझे सिर्फ दिल में खलिश होती है और तकलीफ़ होती है। मैंने कभी ये बात कही नहीं ऐसे, लेकिन तासुर मेरे बारे में था और वो गलत नहीं था। ये जो मिसिंग पर्सन है ना, इनके बारे में हमें ये परसेप्शन पाकिस्तान में बनाई गई और ज़्यादातर पाकिस्तानियों में ये परसेप्शन थी कि इनमें बहुत सारे दहशतगर्द होते हैं और वो अगर कानून में, क्योंकि सपोर्ट कोई मौजूद नहीं है तो उनको लीगल वीकनेसेस हैं, सिस्टम प्रोसीक्यूशन को गायब करना पड़ता है। नहीं वो कोई ऐसा समहाउ मुझे कभी कभी लगता था कि शायद ये जस्टिफाइड है ये चीज़, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन मैंने कभी ये इस तरह नहीं कहा कि इनको गायब कर दो या पकड़ दो। मैं हमेशा ये कहता था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस सबको देना चाहिए, सबका राइट, और कानून ऐसे बनने चाहिए जिनमें फिर इन चीज़ों की गुंजाइश ना रहे। सोच के ऊपर जो फैलाई गई थी, और उस पर मुझे अफसोस है आज कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये सोचा भी कि अगर कोई गायब हुआ तो वो कभी रियासत के मफाद में भी हो सकता है। नहीं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ इसके ऊपर उन सारे लोगों से जिनका दिल दुखाओ। किसी को भी गायब करना कभी भी जस्टिफाइड नहीं, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड कभी भी अंडर एनी पॉसिबल। अगर कोई आदमी कितना भी बड़ा मुजरिम है तो
आप उसको कानून के सामने ही लेकर आए। 100% So, मैं अब इसकी तकलीफ समझता हूँ, समझते हैं, तो मुझे उसका अफसोस है। मैं उसका, मेरी जिंदगी रही और मैं बोलता रहा तो मैं कोशिश करूंगा ये कर्जा उतारने। मेरा इस मुल्क के बगैर गुजारा नहीं, ये मैंने सबको ही बताया, ये मैंने दो दफा संभाल लिया। अब मैं बड़ा हाथ जोड़े, मैं रह नहीं सकता है। मैं जा सकता हूँ बाहर ऐसे चक्कर लगा के वापस, कहीं जाके उमरा किया वापस, इधर गया उसको मिल के, दोस्त को मिला, किसी को काम है वापस। इसी डर से मैं नहीं गया कि मैं कहीं बाहर ही ना रह जाऊँ। कई लोग रह गए ना बाहर ही, डर से नहीं गया कि मैं रह ही ना जाऊँ, कहीं पता लगे मैं वापस ही नहीं आ पा रहा। ये बड़ा खौफनाक डर है, इसको थोड़ा फील करके कभी देखना। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, इसमें तो कोई चैनल जो है वो फौरी तौर पर जॉब देने के लिए तैयार नहीं होगा। सो अपनी जिम्मेदारियाँ जो है, मेरा तमाम चैनल्स को मशवरा है कि अभी मुझे नौकरी ना दें।